खर्चा बचा सकते हैं। बीमार पड़े तो दवा खाने के लिए चले गए, अब बीमारी में गोलियां खरीद लाए, कैप्सूल खरीद लाए, इंजेक्शन ले आए। मेरा ये कहना है कि बीमार पड़ो तो रसोई घर की दवा कर लो, खर्चा नहीं है ज़्यादा। सर्दी जुकाम हुआ तो अपने रसोई घर में हल्दी है, हल्दी को दूध में खूब गर्म करके पी लो, सर्दी जुकाम ठीक। खांसी हो गई तो अपने रसोई घर में अदरक है, अदरक का रस निकालो, थोड़ा गुड़ मिला के या शहद मिला के गर्म करके पी लो, खांसी ठीक हो गई। ज़्यादा खांसी हो गई तो तुलसी का रस निकाल दो, अदरक का रस निकाल लो, शहद मिला के पी लो। बुखार बहुत आ गया तो दालचीनी का पाउडर और तुलसी ले लो, खूब उबाल के काढ़ा बना के उसे पी लो। एक भी बीमारी के लिए दवा खाने की ज़रूरत नहीं। पेट खराब हो गया, दस्त बहुत हो रहे हैं तो जीरा ले लो और फंकी मारो, चबा के खाओ, दस्त एकदम बंद हो जाते हैं। कच्चा दूध ले लो, नींबू निचोड़ के पी लो, एक ही बार में दस्त बंद हो जाते हैं। सब बीमारियों का इलाज रसोई घर में है, एक भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सबको मालूम है, लेकिन हम उनसे पूछते नहीं हैं। डॉक्टर से पूछने के लिए जाते हैं, पैसे भी देते हैं डॉक्टर को, खर्चा भी करते हैं। दादा दादी से पूछ लो, नाना नानी से पूछ लो, सबको मालूम है ये इलाज। और एक छोटी सी बात याद रखो कि बीमारी मत पड़ो तो दवा का खर्चा ही नहीं। आपको मालूम है स्वामी रामदेव जी सालों साल से बीमार नहीं पड़े, तो आप भी मत पड़ो। वो क्या करते हैं, रोज प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, आप भी कर लो, थोड़ी देर प्राणायाम कर लिया करो। सीखना है तो सिखाने वाले यहां योग शिक्षक हैं, प्राणायाम सीख लो थोड़ा, 15-20 मिनट भी अगर रोज कर लिया, आधा घंटे करें तो बहुत अच्छा है, 15-20 मिनट भी रोज कर लें तो बीमारी नहीं आती। बीमारी नहीं आएगी, दवा का खर्चा नहीं, दवा का खर्चा बचेगा तो देश का पैसा बचेगा। एक दिन हमने हिसाब निकाला, सब लोग बीमार पड़ना बंद करें तो 6,00,000 करोड़ रुपए देश का बचता है। जिस घर पर कर्ज होता है ना, उसका एक एक पैसा बचाना चाहिए। देश पर कर्ज हो गया है, देश का पैसा बचाना चाहिए।